होनी को कौन रोक सकता है, अनहोनी को कौन टाल सकता है। नॉर्मल लाइफ में होनी अनहोनी तो होता ही रहता है, लेकिन अगर ये क्रिकेट फील्ड में होता है तो कैसा रहेगा। मैं होनिया अनहोनी की यानी टॉयलेट बाथरूम वगैरह के बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीचेस कॉल की। अगर कोई बैट्समैन को नीचेस कॉल आए तो क्या होता है, अगर फील्डर को कोई नीचेस कॉल आए तो क्या होता है, अगर अंपायर को कोई नीचेस कॉल आए तो क्या किया जाता है, ये सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइफ में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। देखिए, नेचर्स कॉल तो एक कॉल ही है जो कि नेचर से आता है। जी हाँ, किसी को अगर पेशाब करना हो या फिर टॉयलेट करना हो तो बेहिचक कोई भी जा सकता है, लेकिन क्रिकेट फील्ड में ये कैसे किया जाता है। पहले बताते हैं फील्डर के बारे में। फील्डिंग करते समय डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फील्डर लोग बहुत जूस पीते हैं या फिर बहुत ड्रिंक्स पीते हैं। हाँ, स्वेटिंग भी बहुत सारा होता है, लेकिन कभी कभार नेचर्स कॉल आ ही जाता है, तो तब उन्हें जाकर उनके कैप्टन को बोलना होगा, यानी फील्डिंग कैप्टन को, कि मुझे बाहर जाना है। और वो कप्तान जाकर अंपायर को कहेगा कि हाँ, मेरा एक फील्डर है जिसे टॉयलेट जाना है। तो अंपायर ओपोनेंट टीम के कप्तान को ये बात कहेंगे और अपनी टीम का कप्तान ग्रीन सिग्नल देते ही वो फील्डर बाहर जा सकते हैं। अभी जो ओपोनेंट टीम का कप्तान है ये फॉर्मेलिटी बन चुका है, सिर्फ कहना होता है उन्हें, और उसके जगह रिप्लेस करते हैं 12th मैन। बाद में वो जब वापस आते हैं वो कोई भी ओवर के आखिर में ही वापस आना होगा, ओवर के बीच में वो वापस नहीं आ सकते हैं। अब बात करते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के जो लॉज है, जो कि ICC रूल का कॉर्पोरेट ओनर है, वो अलाउ नहीं करते हैं। वहां पर कहा जाता है ए बैट्समैन शैल नॉट बी अलाउड फॉर ए कम्फर्ट ब्रेक और फॉर व्हेन ए बैट्समैन लीव्स द फील्ड टू गो टू द टॉयलेट। लेकिन बहुत बार देखा गया है इन्हें बहुत परेशानी होते हैं। हाँ, क्रिकेट लॉ का कुछ अमेंडमेंट चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अब अगर बैट्समैन का कोई अगर इशू होता है तो अंपायर उसे कहते हैं नेक्स्ट ड्रिंक ब्रेक तक रोकिए, तो क्रिकेटर को रोकना ही होता है। और क्रिकेटर भी ये बात जानते हैं, जब ड्रिंक्स होता है तब वो नेचर्स कॉल के लिए जा सकते हैं अंदर पे, लेकिन वो 2 मिनट के अंदर ही लौटना होगा। जब बहुत खराब हालत रहता है रिटायर्ड होना होता है। मैं MS धोनी की एक बात करता हूँ। इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा था, 40 ओवर पे धोनी कर रहा था कीपिंग, तब उसे नेचर्स कॉल के लिए जाना था तो अंपायर ने उसे छूट दे दिया और विराट कोहली उनके जगह कीपिंग कर रहे थे, लेकिन कोहली कोई भी पैड वगैरह नहीं पहने थे और फेस कर रहे थे उमेश यादव को। हाँ, एक बॉल कोहली के हाथों लगा और 45th ओवर पे धोनी लौट आए। बात करते हैं अंपायर की। अंपायर को सबसे ज्यादा समय मैदान पे रहना होता है, तो अंपायर का भी नेचर कॉल आता है। अंपायर को अगर नेचर कॉल आता है वो ड्रिंक्स के लिए वेट करते हैं, या फिर बीच में जाना हो तो उसके जगह टीवी अंपायर ले लेते हैं और मैच रेफरी टीवी अंपायर की जगह ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर देखा गया है। तो दोस्तों, क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, मुझे इंतजार है दोस्तों मीठे मीठे कमेंट का।